आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फ़ोन में बिना पावर बटन के स्क्रीन को ऑन ऑफ कैसे करें। तो अगर आपके फ़ोन का पावर बटन काम नहीं कर रहा है तो अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑन कैसे करें और स्क्रीन को ऑफ कैसे करें, तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए और यहाँ पे अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन लॉक है और पावर बटन काम नहीं कर रहा है तो अपने फ़ोन की स्क्रीन पहले ऑन करने के लिए आप अपने किसी दूसरे फ़ोन से अपने इस वाले फ़ोन पे कॉल करिए और कॉल करेंगे तो आपके इस वाले फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। उसके बाद अपने फ़ोन में पासवर्ड लॉक एंटर करिए और फ़ोन अनलॉक करके अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए और सेटिंग में आने पर अब नीचे आइए। नीचे आने पर आएगा ये एडिशनल सेटिंग्स, तो ये एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करिए। यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए। नीचे आने पर ये जेस्टर्स एंड मोशंस आएगा, तो ये जेस्टर्स एंड मोशंस पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा ये जेस्टर्स में स्क्रीन ऑफ जेस्टर्स, इस पे क्लिक करिए। स्क्रीन ऑफ जेस्टर्स आएगा, ये आपका बंद है तो ये ऑन करिए, इस बटन पे क्लिक करिए। इसे ऑन करने के बाद आएगा नीचे डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, तो ये आपका बंद होता है तो ये अगर बंद है तो इसे ऑन करिए, इस बटन पे क्लिक करिए। और ये ऑन होने के बाद अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन लॉक है तो आप डबल टैप करिए, दो बार स्क्रीन पे क्लिक करिए और आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑन करें बिना पावर बटन के। और अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन है और बिना पावर बटन के लॉक करना है, स्क्रीन को ऑफ करना है, तो इसके लिए जब आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करेंगे तो सेटिंग में नीचे आइए। नीचे आकर ये होम स्क्रीन आएगा या फिर आपके फ़ोन में होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आने के बाद अब नीचे आइए। नीचे आने पर आएगा ये डबल टैप टू लॉक, तो अगर आपके फ़ोन में ये डबल टैप टू लॉक बंद है तो इसे ऑन करिए, इसे चालू करिए और डबल टैप एनी एम्प्टी स्पेस ऑन द होम स्क्रीन टू लॉक द स्क्रीन। अब आप होम स्क्रीन पे किसी खाली स्पेस पे डबल टैप करिए, दो बार क्लिक करिए और आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो स्क्रीन ऑन करना ऑफ करना दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं बिना पावर बटन के। तो इस तरीके से बिना पावर बटन के स्क्रीन को ऑन ऑफ करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।